मिलती है चाबी, ये देख रही है बिल्कुल कार्ड के जैसे हमारी चौड़ी सी चाबी मिलती है। और जिसको कार की नॉलेज उतनी ना हो तो बोलेगा भाई ये लैम्बोर्गिनी के लाइट्स लगे है क्या। ये गाड़ी के हिसाब से 16 इंच के टायर कितने मस्त लगते हैं, मतलब बड़े बड़े। और लोगों के बीच में हमको मिल जाता है रिवर्स कैमरा 5.9 हाइट के साथ। जैसे अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मुझे थाई सपोर्ट पूरा मिला है घुटने तक, और यहाँ पे लेग रूम भी अच्छा ज़्यादा मिला हुआ है। देखिए मतलब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ मात्र 13 लाख रुपए में इतना बढ़िया इंटीरियर तो भाई किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। एक तो सबसे पहले लुक्स इसका इतना स्पोर्टी लुक है, ऊपर से इंटीरियर देखिए भाई इतना पूरा यार प्रीमियम इन्होंने करा है, ग्लॉसी ब्लैक में इंटीरियर है यार। एक तो इसमें टर्बो वाला वेरिएंट आ गया, बताइए टर्बो भी मिल रहा है। और इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन देखिए यहाँ पे इन्होंने रखा है बिल्कुल सेंटर में। ऊपर से इसकी चाबी देखिए कितनी यूनिक चाबी बनाई है इसने रेनॉल्ट ने कार्ड के जैसे कि यार मतलब फील कर रहा हूँ यार यहाँ बैठे हैं ना तो इसका इंटीरियर इतना प्रीमियम लग रहा है ना, मतलब बहुत बढ़िया। चाहे लुक की बात करो और चाहे आप फीचर्स की बात करो। हेलो भाइयों क्या हाल चाल है, सामने में हमारी खड़ी है एक बार फिर से एक बहुत ही नई स्पोर्टी लुक वाली कार। सबसे पहले इसकी अगर मैं नाम की बात करा दूं तो देखिए गाड़ी का फ्रंट देख के आप शायद गाड़ी का अंदाजा लगा दिए होंगे कि भाई गाड़ी का नाम क्या है। भाई गाड़ी का नाम है रेनॉल्ट कंपनी की आती है टाइगर। सबसे खास चीज इसकी देखिए लुक तो हमको स्पोर्टी लुक मिलती ही है डुअल टोन में तो और ज्यादा मस्त। देखिए इसके हेडलैम्प्स देखिए कितने प्यारे हैं। सबसे देखिए खास चीज मुझे जो लगती है ना इसकी ये देखिए ये चाबी, ये देख रही है बिल्कुल कार्ड के जैसे हमारी चौड़ी सी चाबी मिलती है जिसमें यहाँ पे हमको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे हमको मिल जाती है लॉक अनलॉक। यहाँ पे हम इसको अगर प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो ये हमारा इसका हॉर्न वगैरह और जो इसके इंडिकेटर्स है वो पूरे ब्लिंक होने लगते हैं। और इस तरफ वाला जो बटन मिलता है हमारे को ये मिल जाता है हमारे बूट का यहाँ पे यानी लॉक अनलॉक, और नीचे में हमारे इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा हॉर्न और जो इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं जैसे अगर पार्किंग वगैरह में हमको गाड़ी नहीं मिल रही है उसके लिए। और लास्ट वाला हमारा हो जाता है ये है बूट को रिलीज करने का। अब भाई गाड़ी की अगर मैं सबसे पहले इसके कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ तो देखिए कॉम्पिटिटर में इसके आते हैं सबसे पहले हमारी आती है स्विफ्ट। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट की जो हाइट आती है ना वो थोड़ी सी छोटी आती है। इसकी हाइट और इसके रूफ रेल्स वगैरह इतनी स्पोर्टी लुक लग रही है, साइड से बात करो फ्रंट से बात करो या इसके पीछे की बात करो। और साथ ही साथ इसमें जो अलॉय व्हील्स ये जो इसको मिल रहे हैं ये सीएट के टायर मिलते हैं कंपनी की तरफ से जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। पीछे से इसकी मिल जाती है ये हमारी किलर वाली लुक जिसमें काइगर की बैचिंग लगी हुई है पीछे के। देखिए मतलब इसमें इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लगता कोई मिल सकती है। सबसे पहले एक बार मैं बता दूं ये हमारा टर्बो वाला वेरिएंट है, ये इसकी जो कीमत हमारे यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में कीमत आती है वो आ जाती है ऑन रोड सब कुछ मिला मिला के 14 लाख रुपए में। सब कुछ मतलब जिसमें RTO इंश्योरेंस ये वो सब कुछ मिला के 13 लाख समथिंग है, मतलब 14 लाख पकड़ सकते हैं। अगर आप ये अपनी सिटी में अगर थोड़ा सा करते हैं तो आपकी सिटी में हो सकता है थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस भी आ सके। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम गाड़ी की बात करेंगे तो फ्रंट में हमको मिल जाता है रेनॉल्ट का बड़ा सा लोगो, साइड में आ जाती है भाई हमारी ग्रिल। देखिए ग्रिल का जो डिज़ाइन है ना ये बहुत अच्छा लिखता है, मतलब मुझे मैं पर्सनली बताऊँ अभी तक जितनी भी गाड़ी देखी है ये जो ग्रिल है मिलती है हमको जिसमें क्रोम का हल्का हल्का डिज़ाइन दिया हुआ है बहुत प्रीमियम लगता है। ये सबसे प्रीमियम भाई इसके लगते हैं लाइट। मुझे बताइए अगर मैं इतना पार्ट की अगर मैं फोटो किसी को भेज दूँ और जिसको कार की नॉलेज उतनी ना हो तो बोलेंगे भाई ये लैम्बोर्गिनी के लाइट्स लगे हैं क्या। देखिए यहाँ पे हमको 3 लाइट्स मिल जाती है क्यूबिक शेप में, बहुत प्यारे लगते हैं। और इसमें जैसे इसमें फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको मिल जाती है डीआरएल्स मिलेंगे और नीचे में हमको हेलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अब इस बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा RXZ सबसे टॉप वेरिएंट है जो कि टर्बो भी आता है। टायर की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से डायमंड कट एलॉय व्हील्स। और इसकी जो प्रोफाइल मिलती है हमको वो मिल जाती है 16 इंच के टायर, मतलब बताइए ये गाड़ी के हिसाब से 16 इंच के टायर कितने मस्त लगते हैं, मतलब बड़े बड़े से। अगर भाई आप स्विफ्ट वगैरह में भी जाते हैं ना तो 16 इंच के टायर नहीं मिलते भाई, LXi VXi में 14 इंच मिलेंगे। और अगर आपने गलती से ZXi ले लिए तो उसमें बस 15 इंच मिल गए तो मिल गए भाई। इसमें मिल जाते हैं हमको कंपनी की तरफ से C8 के 16 इंच के टायर। यहाँ पे RXZ की बैचिंग करी हुई है और ये हमको जो ORVM से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है ORVM से। और यहाँ पे हमको पतली से इंडिकेटर की स्ट्रिप्स मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया डुअल टोन है गाड़ी तो इसमें मतलब ऊपर का पार्ट ब्लैक में नीचे में रेड में मिल जा रहा है। ऊपर की बात करेंगे तो हमको मिल जा रही है पूरी प्लेन ब्लैक रूफ मिल जा रही है, इसमें सनरूफ का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमको मिल जा रहे हैं सैटिन क्रोम यानी सिल्वर में इसके रूफ रेल्स मिल जा रहे हैं। और डोर हैंडल्स की अगर मैं बात करूँगा डोर हैंडल्स हमको मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। यहाँ पे हमको मतलब इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा जो कि इतने लीटर का मिल जाता है। पीछे की अगर मैं बात करूँगा तो पीछे में हमको भाई LED में ये वाले जो हमको DRLs मिलते हैं रेड कलर में वो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको हेलोजन में इंडिकेटर हो गए और यहाँ पे रिवर्स वाले हो गए। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर एक बैचिंग टर्बो की दी हुई है, पीछे में रेनॉल्ट का लोगो है और लोगो के बीच में हमको मिल जाता है रिवर्स कैमरा। और यहाँ पे पीछे में हमको सेंसर्स लगे हुए मिल जा रहे हैं 4। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जैसे बूट है यहाँ पे और यहाँ पे हमको पीछे में नंबर प्लेट आ जाएंगी और यहाँ पे हमको रेनॉल्ट की एक बार फिर बैचिंग मिल जाएंगी।
खोलते हैं इसका बूट, तो वही भाई पुराना सिस्टम, नीचे में हमको मिल जा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर ये यहाँ पे मिल रहे छोटू से, और ये इतना बड़ा सा कुछ इसका मिल जाएगा हमारा बूट स्पेस देखा जाए तो देखिए डीप भी, अच्छा खासा डीप भी है, और मतलब इसकी जो लेंथ वगैरह है बूट स्पेस की सब कुछ बहुत ज़्यादा है स्विफ्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे। कंपनी से हमको आपको पार्सल ट्रे मिल जाएंगी, और अंदर में यहाँ पे हमको एक टंगाने के हुक यहाँ हैं और एक यहाँ पे टंगाने के हुक यहाँ पे है। अगर हम इसकी स्टेपनी की बात करेंगे तो कंपनी की तरफ से हमको टूल किट्स हो गई, और स्टेपनी में मिल जाएंगे हमको अंदर में ये वाले टायर। यहाँ पे जो स्पेयर टायर्स है उसमें एक इन्होंने कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है, मतलब वो 14 इंच के है। अब चलते हैं इसके रेयर पैसेंजर के तरफ में। रेयर पैसेंजर के तरफ जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे सबसे पहले देखिए इसका इंटीरियर, ये हमको पूरा ऑल ब्लैक में इंटीरियर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हमको पूरा कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक तो नहीं है, हल्का हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पे हमको हो जा रही है पूरी ग्लॉसी ब्लैक में। यहाँ पे स्पीकर हो गया, यहाँ पे है गाड़ी के अंदर में, गाड़ी के अंदर बैठेंगे सबसे पहले देखिए हमारे ये नॉब हो गए लॉक अनलॉक के, ये हो गए, और यहाँ पे हमको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जा रहे हैं डोर लॉक अनलॉक के बटन्स। यहाँ पे अगर देखिए हमको रेयर एसी वेंट्स मिल गई है। अब जैसे मैंने बताया मेरी हाइट है 5.9 हाइट के साथ जैसे अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मुझे थाई सपोर्ट पूरा मिला है घुटने तक, और यहाँ पे लेग रूम भी अच्छा ज़्यादा मिला हुआ है। यहाँ पे हमको रेयर एसी के वेंट्स हो गए, नीचे में हमको हाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे कहीं यूएसबी नहीं है। ये आर्मरेस्ट मिल रहा है हमको बिल्कुल देखिए लेदर वाला सॉफ्ट। यहाँ पे हमको एक ग्रैब हैंडल्स मिल गए, एक ग्रैब हैंडल्स वहाँ पे मिल गए। ये वाले जो देखिए ये वाले जो हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, बीच में एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि हमको दो कप होल्डर्स और यहाँ पे एक पतली सी जगह मिल जाएंगी, और ये हमको जो है पार्सल ट्रे तो एज इट इज़ मिल रही है। यहाँ पे हमको एक रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे हेलोजन में, और कुछ इस तरीके से दिखेगा प्यारा सा हमारा डैशबोर्ड। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ में। डोर ओपन करने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं इसमें कीलेस एंट्री जैसे हमको मिल जा रही है, ये हमको मिल जा रहे हैं ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स। वही है भाई इसका पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। यहाँ पे हमको लॉक अनलॉक के हो गए, यहाँ पे हमको पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स, यहाँ का पार्ट पूरा पियानो ब्लैक में, ये हमको पकड़ने के ग्रैब हैंडल्स हो गए, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स और ORVM को एडजस्ट करने के वो सब हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे एक स्पीकर भी मिल गया है, चलते हैं गाड़ी के अंदर में। गाड़ी के अंदर बैठे हैं भाई, और ये देखिए इसका प्रीमियम इंटीरियर देखिए, मतलब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ मात्र 14 लाख रुपए में 13 लाख रुपए में इतना बढ़िया इंटीरियर तो भाई किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। एक तो सबसे पहले लुक इसका इतना स्पोर्टी लुक है, ऊपर से इंटीरियर देखिए भाई इतना पूरा यार प्रीमियम इन्होंने करा है, ग्लॉसी ब्लैक में इंटीरियर है यार। एक तो इसमें टर्बो वाला वेरियंट आ गया, बताइए टर्बो भी मिल रहा है। चलते हैं भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं पियानो ब्लैक में हमारे एक एसी के वेंट्स हो गए, यहाँ पे हमको MID हो गई, यहाँ पे हमको रिनॉल्ट के लोगो हो गया बीच में। गाड़ी को स्टार्ट करते ही भाई आ गया है सामने देखिए हमारा पूरा डिजिटल वाला, जैसे आपने देखा होगा इनोवा हाई क्रॉस में हमने देखे थे ये ऐसा स्पीडोमीटर कुछ। स्टेयरिंग देखिए यार बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब एक उंगली से यार स्टेयरिंग इसकी पलट जाती है, बिल्कुल लाइट स्टेयरिंग है। यहाँ पे हमको हमारी रेनॉल्ट टाइगर बन के आ गई, इसके पूरे मतलब जो भी हमको इसमें TPMS वगैरह भी सब कुछ मिल जा रहा है। यहाँ पे हमको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए दोनों तरफ, यहाँ पे हमारे वॉल्यूम के कम ज़्यादा करने के, यहाँ पे म्यूट ट्रैक चेंज करने के, कॉल डिस्कनेक्ट म्यूट, वो सब पूरे फंक्शंस मिल गए हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएंगे हमारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और इस तरफ में बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको वाइपर्स के कंट्रोल मिल गए। और देखिए यार मतलब फील कर रहा हूँ यार यहाँ बैठे हैं ना तो इसका इंटीरियर इतना प्रीमियम लग रहा है ना, मतलब बहुत बढ़िया, चाहे लुक की बात करो और चाहे आप फीचर्स की बात करो। यहाँ पे हमको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, वायरलेस कंप्लीट पूरा इसमें सिस्टम भर के पूरे फीचर मिल जा रहे हैं, पूरे भर भर के, जो कि यहाँ से भी हमारे पूरे MID के कंट्रोल्स हो जाएंगे। TPMS तक भाई दे दिया है इस गाड़ी में, बताओ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कौन से चक्के में कितनी हवा है वो सब पूरी। यहाँ पे मिल जाते हैं हमको ऑटोमेटिक AC, मतलब यहाँ पे छोटू से डिस्प्ले लगे हुए हैं जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, छोटे से डिस्प्ले हो गई है ऑटोमेटिक AC। यहाँ पे फैंस के स्पीड्स हो गए कम ज़्यादा करने के। यहाँ पे हमको मिल जाता है भाई वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, और इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन देखिए यहाँ पे इन्होंने रखा है बिल्कुल सेंटर में, ये हमारा ऑटोमेटिक वर्जन है। और यहाँ पे मिल जाएगा हमारा गियरबॉक्स, ये हमारे छोटे से हैंडब्रेक हो गए, और यहाँ पे मिलता है कुछ छुपाने वाला सिस्टम। हाँ भाई कुछ अगर छुपा उपा के रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे छोटे से आर्मरेस्ट हो गए, आर्मरेस्ट भी पूरा मतलब लेदराइट करे, बहुत अच्छा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे फिर पूरा पियानो ब्लैक में इन्होंने काम किया हुआ है, और ये मिल जाता है बड़ा सा पूरा आर्मरेस्ट से लेके ये पूरा एक पोर्शन है। मतलब अगर चाहे देखिए प्रीमियम चीज़ अगर दिखाना हो, चाहे इसकी गाड़ी में लुक्स की बात करो या इसमें फीचर्स की बात करो, इसमें सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा वेल मेंटेन्ड करा हुआ है। इस तरफ में बात करेंगे तो सेम हमारा ड्राइवर के जैसे मिलेगा, ये देखिए यहाँ प्रेस करेंगे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स यहाँ आ जाएगा खुल के,
और नीचे में भी एक छोटा सा हमारा ग्लव बॉक्स है, छोटा सा तो नहीं है, नीचे वाला मतलब काफी डीप है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखने के लिए बहुत इनफ है। यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, करते हैं इसको बंद। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हमको कोई मतलब रीडिंग लैंप्स वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मिल जाएगा हमको छोटा सा वैनिटी मिरर, और यहाँ पे रीडिंग लैंप्स हैलोजन में एक ये हो गए। बाकी गाड़ी के इंटीरियर की बात करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पियानो ब्लैक करा हुआ है, पियानो ब्लैक से लेके उस तरफ में थोड़ा सा ऑरेंज वाली वो फिनिशिंग दे दिया हुआ है। बाकी देखिए एक बार मैं फिर बोलता हूँ, गाड़ी में मतलब कोई कमी तो है नहीं। देखिए यहाँ पे हमको तीन मोड मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स वेरिएंट में थोड़ा हो सकता है माइलेज थोड़ा कम मिले, लेकिन पावर बहुत अच्छी मिलेंगी। एक बार फिर बोलता हूँ यार, मतलब इतने कम प्राइस सेगमेंट में, इतने कम प्राइस सेगमेंट में इतनी बढ़िया लुक, इतना बढ़िया इंटीरियर कोई गाड़ी में नहीं मिलेगा भाई। तो ऊपर से इसकी चाबी देखिए कितनी यूनिक चाबी बनाई है इसने रेनॉल्ट ने, कार्ड के जैसे। तो कुछ इस तरीके से था भाई अपना रेनॉल्ट का काइगर का फुल स्पेसिफिकेशन। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।